हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल। चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक्स। आखिर कैंडल स्टिक्स क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे नुकसान है, क्या हम लोग कैंडल्स को देखकर ट्रेड कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ और टोटल 20 ऐसे कैंडल्स के बारे में बताऊंगा जो ग्राफ पे सबसे ज्यादा बनते हो और उसकी एक्यूरेसी रेट मोर देन 80% हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको एक कैंडल्स के बारे में पता चल जाएगा और आप ग्राफ पे देखते ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा कैंडल है। तो आइए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कैंडल्स को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें कि कैंडल्स कहाँ ओपन कहाँ क्लोज हुआ है, इसकी क्या हाई लगी क्या लो लगी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेड कलर का कैंडल है जिसको हम लोग बेयरिश कैंडल बोलते हैं और एक ग्रीन कलर का कैंडल है जिसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो बेयरिश कैंडल का क्या मतलब होता है कि ये हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, बट बुलिश कैंडल नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। बस बेयरिश और बुलिश में ये डिफरेंस है, और ये ग्रीन होगा और ये रेड होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ओपन हुआ है यहाँ क्लोज हुआ है, बट ये जो ऊपर आप देख सकते हैं लंबी सी, इसको बोलते हैं अपर शैडो या फिर अपर वीक। इसका मतलब होता है कि ये स्टॉक का प्राइस यहाँ ओपन हुआ है अगर 100 रुपीज पे, तो इसकी हाई लगी है 120 रुपीज, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं लोअर शैडो या फिर लोअर वीक। इसका मतलब होता है कि 100 पे ओपन हुई है, 120 हाई लगी है बट लो लगी है 70 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे लो लगी है बट क्लोज कहाँ हुआ है, इस जगह पे, मतलब 80 या फिर 90 रुपीज पे ये क्लोजिंग हुआ है। आई होप आपको बेयरिश कैंडल समझ में आ गया होगा। इसका ठीक अपोजिट होता है बुलिश कैंडल। ये नीचे ओपन होता है मान लीजिए 100 रुपीज पे, तो इसकी लो लगती है अगर 80 रुपीज, ये देख सकते हैं इसको लोअर शैडो बोलते हैं, और इसकी हाई लगी है मान लीजिए 130 रुपीज जिसको अपर शैडो बोलते हैं, बट क्लोजिंग कहाँ हुई है, नीचे आके 120 रुपीज पे, मतलब 100 पे ओपन हुई है 120 पे क्लोज हुई है, हाई लगी है 130 का लो लगी है 80 रुपीज का। तो ये होती है बुलिश कैंडल, ठीक है। तो बुलिश ग्रीन होगा बेरिश रेड होगा, इतना तो आप लोगों को पता है। तो आई होप आपको बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हैमर कैंडल स्टिक्स के बारे में। हैमर कैंडल स्टिक्स का मतलब होता है एक हथौरा, आपने देखा होगा ये हथौड़ी की शेप में होता है, और इसकी जो बॉडी होती है ना, इसके विक से 2 गुना या फिर इससे ज्यादा लंबी होती है, तो इसको हम लोग हैमर कंसिडर करेंगे। और हैमर बुलिश कैंडल स्टिक होता है। तो बुलिश कैंडल स्टिक्स का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट कभी भी ऊपर कहाँ से जाता है, नीचे से जाता है, मतलब बॉटम से। तो हैमर को बॉटम पे फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से समझना मेरी बात, आपको पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में हैमर फॉर्म अगर हो रहा है तो इसका मतलब होता है ये ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, मार्केट ऊपर की तरफ भेजेगा। लेकिन इसकी जो वीक होगी, इसके बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए और बॉटम पे ही बनना चाहिए, तब इसको हम लोग हैमर कंसिडर करेंगे और ये मार्केट फिर बुलिश ट्रेंड में बदल देगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी चलिए मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ, इसका क्या रिएक्शन आता है वो भी दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सर्कल करके रखा हुआ है, इसको मैं डिलीट करके और जूम करके आपको दिखाता हूँ। मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है और बॉटम पे क्या फॉर्म हुआ है, हैमर, ठीक है, जिसकी जो वीक है इसके बॉडी से 2 गुना है। अब देख सकते हैं जब बॉटम पे हैमर फॉर्म हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि कन्फर्मेशन हमें कब मिलेगा, कन्फर्मेशन हमें तब मिलेगा कि इसके बाद का जो कैंडल होगा ना, ये इस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा ना, तो ये फॉल्स हैमर हो जाएगा, हम लोग इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे देखिए क्लोजिंग ऊपर दिया, आप यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हैं, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाकर। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। तो क्या ध्यान रखना है हम लोगों को, हैमर बॉटम पे फॉर्म होगा, इसकी वीक 2 गुना होनी चाहिए बॉडी से, और बॉटम पे ही फॉर्म होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग देगा ये इसके ऊपर होना चाहिए, तब हम लोग इसको हैमर कंसिडर करेंगे और हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो आई होप आपको हैमर कैंडल स्टिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है, हैंगिंग मैन ठीक हैमर की तरह ही शेप में होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हैमर और हैंगिंग मैन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट हैंगिंग मैन में ये इंपॉर्टेंट होता है कि हैंगिंग मैन ग्राफ के टॉप पे बनता है, क्योंकि यह बेयरिश कैंडल होता है।
बेरिस मतलब मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट कहाँ से नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर से नीचे जाएगा। तो ऊपर पे अगर बन रहा है तो इसको हम लोग हैमर नहीं बल्कि इसको हैंगिंग मैन कंसिडर करेंगे, और इसकी कलर मैटर नहीं करती, ये ग्रीन कलर हो रेड कलर हो कोई मतलब नहीं है। अगर टॉप पे बन रहा है तो मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होने वाला है और मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो अप ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड रिवर्स करके मार्केट नीचे जाएगा, बट कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इसके बाद जो कैंडल होगा वो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो हैमर और हैंगिंग मैन में बस यही डिफरेंस है कि हैमर जो होता है वो बुलिश कैंडल होता है, ग्राफ के बॉटम पे बनता है, और हैंगिंग मैन जो होता है ये बेरिश कैंडल होता है और ग्राफ के टॉप पे बनता है। दोनों का शेप सेम होता है, कलर मैटर नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का क्या मतलब होता है कि ये भी एक बुलिश कैंडल होता है, ठीक है, और ये बुलिश कैंडल है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर यहां से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। तो बॉटम पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें विक क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, हैमर में विक नीचे की तरफ होता है, बट इन्वर्टेड हैमर है इसका मतलब कि ये उल्टा होगा, उल्टा इंसान जैसे बोल सकते हैं ना झुका हुआ है, वैसे उल्टा इंसान झुक रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी ऊपर पूरी बॉडी है, विक है, और नीचे इसकी सर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग देगा ये इसके ऊपर देना चाहिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तभी हम लोग इसको इन्वर्टेड हैमर मानेंगे। तो आइए अभी मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, इन्वर्टेड हैमर। आपको बहुत ध्यान से समझना होगा तभी आपको क्लियर होगा और आप इस पर सही से ट्रेड कर सकते हैं। क्या हुआ है, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, इसकी जो वीक है इसके बॉडी से 2 गुना है। कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा कि ये इन्वर्टेड हैमर कंफर्म वाला है, इसके बाद जो कैंडल बनेगा ना ये इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, मतलब कि हाँ ये कंफर्म हो गया कि इन्वर्टेड हैमर है, अब ये काम करने वाला है, हम लोग इसके क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगाकर। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट फिर कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो कैंडल से आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, 5 मिनट, आधे घंटे, एक दिन, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, बॉटम पे बनना चाहिए क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा, तो नीचे में बॉटम पे बनना चाहिए इन्वर्टेड हैमर। कंफर्मेशन इसके बाद वाला कैंडल देगा, यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, पूरा रैली हम लोग फायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको इन्वर्टेड हैमर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर का ठीक अपोजिट होता है, ठीक है, बट अपोजिट है, इसका मतलब क्या है कि ये वो बुलिश कैंडल था इन्वर्टेड हैमर, तो ये बेयरिश कैंडल होने वाला है, और बेयरिश कैंडल है मतलब मार्केट नीचे जाएगा, तो नीचे कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा ना भाई, तो ऊपर पे बनना चाहिए शूटिंग स्टार को, तब हम लोग इसको शूटिंग स्टार कंसिडर करेंगे। मतलब इन्वर्टेड हैमर तब कहलाएगा जब वो बॉटम पे बनेगा और टॉप पे बनना, तो उसको हम लोग बोलेंगे शूटिंग स्टार, और उसके बाद जो कैंडल होगा उसका क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए, तब ये कंफर्म होगा कि हाँ ये शूटिंग स्टार काम करने वाला है, हम लोग इसके क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे और इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। आपका कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप जितना मार्केट नीचे जाएगा पूरा फायदा उठा के, जब तक आपको रिवर्सल साइन ना मिले आप पूरा ट्रेड का फायदा उठा सकते हैं। तो शूटिंग स्टार क्या होगा, हमेशा ग्राफ के टॉप पे बनना चाहिए और इसके बाद जो कैंडल होगा इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार, जो कि बेयरिश कैंडल होता है। हम लोग बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग का क्या मतलब होता है, ये एक बुलिश कैंडल होता है, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, बट ये बुलिश कैंडल है तो इसका मतलब ये ग्राफ के बॉटम पे बनना चाहिए, और कैसा दिखने में होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेड कलर का कैंडल होगा और इस रेड कलर के कैंडल को ग्रीन कैंडल अपने बॉडी के अंदर पूरा रख लेगा, मतलब एक तरह से बोलो तो खा जाएगा, ठीक, इसके बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये रेड कैंडल इसके अंदर है तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग, और क्लोजिंग इसके बाद वाला कैंडल हमेशा इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इसका जितना भी ऊपर जाएगा हम लोग पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको ग्राफ पे समझाता हूँ ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बुलिश इंगल्फिंग है, कहाँ बना है, ग्राफ के बॉटम पे बना है, ठीक है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर नीचे से जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, रेड कलर का कैंडल है, रेड कलर का कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर है, बॉडी के अंदर है, विक ऊपर जाए उतना मैटर नहीं करता, बस इसकी बॉडी इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ये भी देख सकते हैं नीचे भी और ऊपर भी। इसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग दिया है इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब कंफर्मेशन मिल गया अब मार्केट ऊपर जाने वाला, हम लोग इसके क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट फिर थोड़ा ऊपर गया है यहाँ पे अच्छा खासा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अगर आप पॉइंट की बात करें तो अगर आप यहाँ भी एंट्री लेते हैं ना, तो आपको लगभग
500 पॉइंट का मूवमेंट मिला, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 500 का पॉइंट मूवमेंट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आप सिर्फ एक कैंडल को पहचान के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको बुलिश इंगल्फिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेयरिश इंगल्फिंग के बारे में। बेयरिश इंगल्फिंग ठीक बुलिश इंगल्फिंग का अपोजिट होता है। तो अपोजिट होगा इसका मतलब ये बेयर कैंडल है, आपको नाम से ही पता चलता है। अब बेयर मतलब मार्केट नीचे जाएगा, नीचे कहाँ से जाएगा, टॉप पे से जाएगा, ऊपर से जाएगा। तो बेयरिश इंगल्फिंग कहाँ बनना चाहिए, टॉप पे बनना चाहिए। टॉप में कैसा इसका शेप होगा, ग्रीन कैंडल होगा, और ग्रीन कैंडल को रेड कलर का जो कैंडल होगा ये पूरा अपने बॉडी के अंदर खा जाएगा, रख लेगा। इसकी बॉडी जो होनी चाहिए इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। कंफर्मेशन कब मिलेगा, इसके बाद जो कैंडल मिलेगा ये इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई लगा के छोड़ देंगे। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है इंट्राडे में अगर आप सही तरीके से कैंडल स्टिक को यूज करते हैं तो। अब हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल के फॉर्मेशन से बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर का कैंडल होगा, फिर मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल के इसके नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गैप अप या फिर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप तीन कैंडल के फॉर्मेशन से जो बनेगा इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार जो होता है बुलिश कैंडल होता है, इसका मतलब कि ये बॉटम पे बनना चाहिए। इतना तो आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, बॉटम पे मॉर्निंग स्टार बनेगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए मैं अभी आपको इसको ग्राफ पे एक बार दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बना है, उसके बाद क्या हुआ है एक ग्रीन कैंडल बना है, मार्केट गैप डाउन हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, फिर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये तीन कैंडल के फॉर्मेशन से बना है मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार के बाद जो क्लोजिंग दिया ये इसके ऊपर दिया, मतलब कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगाकर। अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते हैं मार्केट नीचे तो आया बट आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा, फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। तो आई होप आपको बुलिश सॉरी मॉर्निंग स्टार समझ में आ गया होगा। और आप देख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो आपकी आपको ग्राफ जब भी बने तो आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है, यह ठीक मॉर्निंग स्टार का ठीक अपोजिट होता है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, ग्राफ के बॉटम पे बनता है ताकि मार्केट ऊपर जाएगा। इवनिंग स्टार बेयरिश कैंडल होता है, यह ग्राफ के हमेशा टॉप पे बनता है और उसके बाद मार्केट को नीचे भेजता है। अभी मैं आपको उसको ग्राफ पे एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीन कैंडल के फॉर्मेशन से इवनिंग स्टार बना है। ये रेड ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल बना है, फिर मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन खुल के नीचे क्लोजिंग दिया। तो इसका मतलब होता है कि ये इवनिंग स्टार है, इसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग देगा या इसके नीचे देगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप आराम से इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो, क्योंकि ये जो है एक दिन का कैंडल है, इंट्राडे में आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है अगर आप इसको सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड करते हैं तो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको लाइव ग्राफ में समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं थ्री व्हाइट शोल्डर्स। थ्री व्हाइट शोल्डर्स क्या होता है, मतलब ये होगा कि यहाँ पे तीन ग्रीन कैंडल होगा कंटिन्यूअसली तीन ग्रीन कैंडल होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पे बनना चाहिए, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अगर कहीं भी अगर मान लीजिए टॉप पे भी बन रहा है तीन ग्रीन कैंडल, उसके बाद भी क्लोजिंग ऊपर दे दिया है, इसका मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो इसकी एक्यूरेसी रेट और बढ़ जाती है, मतलब 100% क्लियर है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। अभी आपको उसको ग्राफ पे एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर दो कैंडल से रेड कैंडल बना, कंटिन्यूसली नीचे आया, ये एक कैंडल एक दिन का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीन कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद क्लोजिंग भी मार्केट इसके ऊपर दे दिया, इसका मतलब है कि अब मार्केट यहाँ से अभी और ऊपर जाने वाला है। अब इसके क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हैं और इसके बाद जो कैंडल होगा ना इसका ही स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें ऐसा नहीं कि अब यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, इससे पहले वाला कैंडल का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक कैंडल एक दिन का, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही गया है, क्योंकि अगर देख सकते हैं तीन दिन ऊपर गया, चौथे दिन भी ऊपर गया, तो अभी और ऊपर जाने वाला है। इसको बोलते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर। आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट कर लेना, या फिर आपको मैं ये जो आप जो भी मैं आपको पीपीटी दिखा रहा हूँ आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट करवा के रख सकते हैं। ग्राफ पे जैसे भी बनते हुए देखें आप इसको तुरंत जज कर सके और इस पर ट्रेड ले सके। अब हम लोग बात करते हैं थ्री ब्लैक क्रोज। थ्री ब्लैक क्रोज का मतलब होता है ये ठीक थ्री व्हाइट शोल्डर का अपोजिट होता है। ये क्या होगा, तीन रेड बनेगा कंटिन्यूसली नीचे की तरफ, उसके बाद जो कैंडल होगा ये या तो बहुत वीक होना चाहिए,
बुलिश बहुत ही वीक बुलिश कैंडल है। क्लोजिंग भले ऊपर देते हैं बट बहुत ही वीक कैंडल है, क्योंकि पहले तो बायर ने इसको बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश किया था बट लास्ट में जीत किसकी हुई, सेलर की। सेलर ने फिर इसको वापस से नीचे ला दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट कंडीशन नीचे जाने वाला, तो आपको ये देखना है। उससे पहले क्या है, 3 ब्लैक क्रोज है, आप इसके क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हैं और इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो भी हिट नहीं होगा। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज, जो कि बेरिश कैंडलस्टिक होता है। अब हम लोग बात करते हैं बुलिश हरामी। बुलिश हरामी क्या होता है, एक बड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल क्या होगा, बेरिश कैंडल है। उसके बाद ग्रीन कैंडल जो बनेगा ना, इसके बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। इसके बाद अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है या फिर ये फॉल्स हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग में क्या था, रेड कैंडल था और उसको बुलिश इंगल्फिंग पूरा अच्छे से इंगल्फ कर लिया था, बट यहाँ वैसा नहीं, ये है बुलिश हरामी। पहले तो रेड कैंडल होगा बट इसके बॉडी के अंदर ये खुद आ जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। अब हम लोग बात करते हैं बेरिश हरामी का। ये ठीक बुलिश हरामी का अपोजिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल से अंदर इसके बॉडी के अंदर कौन सा आ गया, बेरिश कैंडल, मतलब रेड कैंडल। अगर मार्केट इसके बाद क्लोजिंग नीचे देता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाएगा। अगर ऊपर दे देगा तो मतलब ये पैटर्न फेल हो जाएगा, हम लोग इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग दिया, इसका स्टॉप लॉस लगा के हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और मार्केट जितना नीचे जाएगा जब तक रिवर्सल साइन ना मिले हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेरिश हरामी और बुलिश हरामी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन मारो बूझो। ग्रीन मारो बूझो का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी विक नहीं होगा, मार्केट नीचे ओपन होगा, लो नहीं लगेगा, हाई नहीं लगेगा, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर क्लोजिंग देगा। अगर इसके बाद वाला कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाने वाला है। इसको बोलते हैं ग्रीन मारो बूझो, जो कि आप ग्राफ पे बहुत बार बनते हुए देखते होंगे। ग्रीन मारो बूझो का ठीक अपोजिट होता है रेड मारो बूझो। मतलब रेड कैंडल कहाँ ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। मतलब यहाँ ओपन हुआ, कंटिन्यूसली नीचे गया और यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके ना लो लगी है और ना हाई लगी है। इसके बाद अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो मतलब है कि यह अब बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, मार्केट अब नीचे जाने वाला। तो आप लोग यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं इस कैंडल को देख करके। अब हम लोग बात करते हैं ट्वीजर बॉटम या फिर ट्वीजर टॉप। ट्वीजर बॉटम का मतलब होता है कि बॉटम पे बनना चाहिए दो कैंडल साथ में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए जिसकी बॉडी और वीक लगभग सेम होनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। मतलब ये होगा कि इसकी जो वीक होगी और बॉडी होगी इक्वल होनी चाहिए और बॉटम मतलब नीचे बनना चाहिए। अगर नीचे बनता है, इसके बाद अगर कैंडल कोई भी बन रहा है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इसका मतलब है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, और अगर टॉप पे बन रहा है और इसके बाद वाला कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देता है या फिर बहुत ही वीक बुलिश कैंडल बन जा रहा है या फिर न्यूट्रल कोई कैंडल बन जाता है डोजी टाइप का, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्वीजर बॉटम या फिर ट्वीजर टॉप। चलिए मैं अभी आपको इसको ग्राफ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको और डाउट क्लियर हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल है, उससे पहले एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल लगभग उसकी बॉडी और विक सेम है, तो इसका मतलब होता है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। इसके बाद का जो कैंडल होगा या फिर न्यूट्रल कैंडल या मारो बुझो, इसको कंसिडर नहीं करना, मारो बुझो थोड़ा लंबा होता है, जैसे ये मारो बुझो कैंडल है। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल कैंडल है। इसके बाद जो कैंडल बना है ये भी नीचे क्लोजिंग दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हैं इसका स्टॉप लॉस लगा के। ये टॉप पे बन रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग डिपेंड करता है कि इसके बाद का कैंडल कहाँ होता है, देख सकते हैं। या तो अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मारो बुझो बन जाएगा तो ये फिर ये पैटर्न फेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बना है, न्यूट्रल कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इसका स्टॉप लॉस लगाकर। फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, हम लोग उसका पूरा फायदा उठा लेंगे जब तक हम लोगों को रिवर्सल साइन नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डोजी कैंडल स्टिक्स। डोजी मतलब क्या होता है, ये एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक होता है, जहां प्राइस ओपन होगा ना वहीं क्लोज होगा, बट इसकी हाई और लो दोनों इक्वल होगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ ओपन हुआ, इसकी हाई ये पॉइंट लगी, अगर 100 पे ओपन हुई है ना तो 150 इसकी हाई लगी है और 50 रुपीज क्या हुआ है, इसकी लो लगी है, बट क्लोजिंग का वापस से 100 रुपीज पे आके हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों इक्वल है, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक्स, जो कि न्यूट्रल कैंडल होता है।
अब हम लोग बात करते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ग्रीन कैंडल होगा, रेड कैंडल होगा, दोनों लगभग इक्वल होगा, बट हम लोग कैसे पहचाने हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसकी पोटेंशियल डायरेक्शन जो कि ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इसके बाद जो कैंडल बन रहा है ना, उसका क्लोजिंग कहाँ होता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बायर ज्यादा है, बायर जीत सकता है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसका स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ट्रेडिंग करेंगे या फिर ट्रेड लेंगे। और अगर मार्केट इसके बाद नीचे क्लोजिंग देता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर ज्यादा है, मार्केट अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाएगा, इसका स्टॉप लॉस लगा के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पीई को बाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्पिनिंग टॉप का मतलब समझ में आ गया होगा। ये भी न्यूट्रल कैंडल होता है, डिपेंड करता है इसके बाद जो कैंडल आता है उसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। अब हम लोग बात करते हैं फॉलिंग थ्री मेथड। फॉलिंग थ्री मेथड का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा सा बेयरिश कैंडल होगा, उसके बाद कंटिन्यूअसली तीन बुलिश कैंडल बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग व्हाइट शोल्डर बोल सकते हैं। कंटिन्यूअसली तीन बनेगा, उसके बाद क्या होगा ना, चौथा कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनना चाहिए। इसका मतलब होता है कि फॉलिंग थ्री मेथड है, मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाने वाला है, हम लोग इसके क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे, इस कैंडल का हाई का जो होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर। इसको बोलते हैं फॉलिंग थ्री मेथड। दो कैंडल के बीच में, दो बियर कैंडल के बीच में तीन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा, लेकिन दोनों को ये दोनों बियर कैंडल जब्त कर लेगा, मार्केट फिर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं राइजिंग थ्री मेथड। राइजिंग थ्री मेथड का मतलब होता है कि पहले तो देख सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा, उसके बाद तीन ब्लैक रोज बनेगा, कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आएगा, बट चौथा कैंडल जो होगा ना, ये तीनों का हाई बना देगा, और उसके बाद जब यहाँ क्लोजिंग दिया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाकर। इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड। बुलिश कैंडल स्टिक होता है और ये कंटिन्यूएशन होता है, कहीं पे भी बने, अगर टॉप पे बन रहा, बॉटम पे बन रहा, बीच में बन रहा, मैटर नहीं करता। अगर ऐसा कैंडल बन रहा तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जाएगा। और फॉलिंग थ्री मेथड जो होता है, ये भी कंटिन्यूएशन होता है, जरूरी नहीं है कि ये टॉप पे बनना चाहिए, बीच में भी बन रहा है, बॉटम पे भी बन रहा है, तो ये कंटिन्यू रहेगा नीचे की तरफ। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने जितने भी कैंडल स्टिक के बारे में इस वीडियो में बताया हूँ। अगर आपको बोल रहे हैं तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं और इसको प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं, ताकि ग्राफ पे जैसे ही आपको बनते हुए देखें, आप इससे मैच करके इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा गाइस। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा अंदर से मोटिवेशन आएगा, ताकि मैं आपको ऐसा ही वीडियो और देते रहूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।